फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ईसप एकेडमी। स्टूडेंट्स आज हम क्लास सिक्स साइंस चैप्टर फोर का पार्ट वन का डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो मटेरियल होता है जो सॉर्टिंग मटेरियल्स होते हैं उसका ग्रुप्स कैसे होता है, इसके बारे में आज एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन करने वाले हैं। तो नाउ स्टार्ट्स दिस चैप्टर। पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में क्या हमें मेनली इस चैप्टर से मैसेज मिलता है, क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, तो द थिंग्स विच वी ऑल यूज इन आवर डेली लाइफ और मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। सब जानते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स का यूज करते हैं जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स से बने होते हैं। ऑल दीज मटेरियल्स हैव मास शेप एंड और क्लासिफाइड, यानी कि जितने भी मटेरियल होते हैं उनको किस पे क्लासिफाई किया गया है, उनके मास पे और उनके शेप पे, वजन और आकार पे उनको क्या किया गया है, अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। इसके बेस्ड ऑन मेनी क्रिटेरिया, और उसके मेनी क्रिटेरिया के बेस पे भी क्लासिफाई किया गया है, बहुत सारे प्रकार में डिवाइड किया गया है, इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसके अलावा इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, इनके फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग, इनके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है, डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं पहला इसका क्या है, जो पहला फर्स्ट पॉइंट है इस मटेरियल्स का क्या है, एट फर्स्ट द मटेरियल्स कैन बी सॉर्टेड इनटू देयर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द थ्री स्टेट मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो मटेरियल हैं उनको जो ग्रुप में सॉर्टेड किया गया है वो बेसिकली थ्री स्टेट पे किया गया है, कौन कौन से, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और इन्हीं सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में हम देखना इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो सॉलिड हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो लिक्विड हैं, और कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या हैं गैसेस हैं, इनके बेस पे इनको इनके थ्री स्टेट के मैटर के बेस पे इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। दूसरा पॉइंट से द सेकेंड क्रिटेरिया यूज टू सॉर्ट द मटेरियल्स आर बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स वेरीज इन कलर टेक्सचर हार्ड सॉफ्ट एंड लस्टर। यानी कि पहला जो था वो थ्री स्टेट के बेस पे था, लेकिन दूसरा जो है वो मटेरियल्स को उसके अपीयरेंस यानी कि देखने के बेस पे वो कैसा दिखता है उसके बेस पे क्या किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि किसके जैसे कि वेरी कलर कि किस कलर का है टेक्सचर उसके उसके बेस पे, हार्डनेस के बेस पे, सॉफ्ट के बेस पे एंड लस्टर के बेस पे उसको क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तीसरा पॉइंट हमारा है द थर्ड क्रिटेरिया यूज टू सॉर्ट द मटेरियल्स आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी डिवाइड किया गया है। द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स इन वाटर, और सॉल्युबिलिटी किस पे चेक किया गया है कि कौन से ऐसी मटेरियल्स है जो वाटर में डिजॉल्व दैट मीन्स कि सॉल्युबल है, और कौन सी ऐसी मटेरियल्स है जो वाटर में इनसॉल्युबल है यानी अनडिजॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट एंड शुगर इनसॉल्युबल इन वाटर आर सॉल्युबल इन वाटर, चॉक एंड सैंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि सॉल्ट और शुगर जो है वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, बट जो चॉक है और जो सैंड है, जो धूल है, जो मिट्टी है, वो क्या है, इनसॉल्युबल है, किस में, इन वाटर में। तो ये थर्ड पॉइंट्स था हमारा। फोर्थ पॉइंट किस पे डिवाइड किया करता है, द फोर्थ क्रिटेरिया यूज टू सॉर्ट द मटेरियल्स इज बेस्ड ऑन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट्स है हमारा, उस मटेरियल्स को कैसे सॉर्टेड किया गया है, कैसे उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, किसके बेस पे, यानी कि वो मेटल और नॉन मेटल के बेस पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि आयरन, कॉपर, गोल्ड और एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स, एंड कोल, चाक, रबर और एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। यानी कि कह सकते हैं कि सोना, चांदी, लोहा, स्टील, सिल्वर, ये सब क्या हैं, इनके सब मेटल्स हैं, और कोल यानी कि कह सकते हैं कोयला, चाक, आप देखेंगे जो बोर्ड पे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पे, चॉक, रबर जो आप इरेज करते हैं, रबर, ये सब किसके एग्जांपल हैं, नॉन मेटल्स के, ये मेटल्स नहीं हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट क्या था कि द फिफ्थ क्रिटेरिया यूज टू सॉर्ट द मटेरियल्स इज बेस्ड ऑन द लाइट ट्रांसमिशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स ऑप्टिक ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट्स। और पांचवा जो पॉइंट्स है
इसमें जो मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है वो ट्रांसमिशन थ्रू लाइट के बेस पे, लाइट ट्रांसमिशन के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है कि कौन सी ऐसी मटेरियल्स है जिसमें लाइट जा सकती है, जिसमें लाइट नहीं जा सकती है, जिसमें लाइट थोड़ी जा सकती है, यानी कि इसी के बेस पे, यानी कि ऑप्टिक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया कि जो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कि जो भी मटेरियल्स हैं कि वो किस बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं। अब हम उनके क्लासिफिकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।